वही ग्वालियर जिले में गॉड टैलेंट सीजन 10 का फाइनल प्रोग्राम 7 जुलाई को ITITM कॉलेज जीवाजी विश्वविद्यालय के पीछे आयोजित किया जाएगा, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, किड्स मॉडलिंग, मिस्टर एंड मिसेस मॉडलिंग, ब्राइडल मेकअप शो का फाइनल आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ही संस्था के अध्यक्ष सोनू घोलकर और विवेक गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हमारी संस्था पिछले 9 वर्षों से ग्वालियर गॉट टैलेंट का आयोजन कर रही है, जिसमें बॉलीवुड डांसर गौरव और बॉलीवुड एक्ट्रेस नैना छाबड़ा शिरकत कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को वर्कशॉप का प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। ग्वालियर से योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। मैं सोनू धोलकर, अध्यक्ष सोनू धोलकर, ITITM इवेंट सेलिब्रिटी मैनेजमेंट से। हमारा 9 साल से होते आ रहा है ग्वालियर गॉट टैलेंट के नाम से। इस बार सीजन 10 होने जा रहा है, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, किड्स मॉडलिंग, सीनियर मॉडलिंग, ब्राइडल शो भी रखा गया है। तो सभी जगह से बच्चे आ रहे हैं। इस बार हमने नया कुछ रखा हुआ है, वर्कशॉप भी दे रहे हैं। गौरव सारवान जो सेलिब्रिटी आए, वो 6 तारीख को वर्कशॉप भी दे रहे हैं, 7 तारीख को ग्रैंड फिनाले भी है। और ग्रैंड फिनाले का वेन्यू में ITITM कॉलेज में होने जा रहा है और होता है। और सभी जगह से बच्चे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बस यही है। ये अभी 50 रजिस्ट्रेशन हो गए और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिसको भी पार्टिसिपेट लेना है। और ये काफ़ी गरीब बच्चे भी नहीं दे पाते फीस, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आना चाहे वो आ सकता है। कि आपको मालूम है कि यहाँ ग्वालियर में सोनू धोलकर द्वारा एक प्रोग्राम इवेंट आया जाता है जिसका नाम है ग्वालियर गॉट टैलेंट। पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं ये और लगातार नए नए सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। तो आज उसी क्रम में मेरे साथ हैं एक टीवी सीरियल एक्टर, बहुत अच्छी हैं, जानी मानी, आप लोगों ने शायद देखा होगा इनको, नेहा छाबड़ा जी। चैनल पर आपका स्वागत है नेहा जी। नमस्कार। तो नेहा जी, ये बताइएगा कि आपका जो ये तरीका है, मतलब कैसे आपने सीखा और क्या जुनून है कि आप टीवी सीरियल में जाएं, ऐसा क्या आपको जुनून है? और रहने वाले कहाँ गए, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। मेरा नाम नैना छाबड़ा सोनिक है जी। मैं ग्वालियर शहर से ही हूँ और ग्वालियर मुझे बहुत प्यारा है। मुझे ग्वालियर ने ही बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर मैं 4 साल की थी तब से मैंने इवेंट शोज़ वगैरह स्टार्ट किए थे और करते 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 2004 में मेरी मुलाकात होती है सोनू ढोलकर भैया से। और मैं तब इतनी छोटू सी थी, जो कांटा लगा सैफाली जरीवाला का जो गाना बहुत हिट हुआ था, तो कांटा लगा पे मैंने सॉन्ग पे पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे फर्स्ट रनर अप मतलब मिला था। तो मैंने जर्नी यहीं से ग्वालियर से स्टार्ट किया। ऐसे काफ़ी सारे मैं इवेंट्स करती रही, 1000 से ज़्यादा मैंने इवेंट्स अभी तक किए हैं। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि सोनू भैया हर साल बच्चों को वो मौका देते हैं और सपोर्ट करते हैं, उनके टैलेंट को निखारते हैं, सबको इतना सहयोग देते हैं और मुझे बुलाते हैं, हमेशा याद करते हैं। उनके काफ़ी लोग अगेंस्ट होते हैं कि इसको मत बुलाओ, इसको मत बताओ, लेकिन ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि मुझे आज तक उन्होंने सपोर्ट किया। उसके लिए शुक्रिया और कंग्रेचुलेशंस, आप इतने अच्छे इवेंट कर रहे हो। 1000, 1000, 2000, मैं तो बोले 10,000, ये तो 10 सीज़न है, ये तो हिट हो गई होगा। 9 साल से जैसे होते आ रहा है, आगे भी होगा। और मेरी यही विशेष है इनको लेके। और रही बात मेरी, अब आते हैं, मैंने 1000 से ज़्यादा जो शोज़ किए हैं उसमें प्रशांत चौहान जी जो मेरे गुरुजी हैं, जिनसे मैंने मराठी लाउनीज़ वगैरह सीखी हैं, और थिएटर मैंने किया है भारत भवन में, और ग्वालियर में भी काफ़ी सारे शोज़ मैंने पार्टिसिपेट किए हैं। तो इंदौर, भोपाल, झांसी, UP, हर जगह जाके मैंने जो लड़ाई लड़ी है उसी से मेरा एक मनोबल बढ़ता रहा। पर मुझे कभी मालूम नहीं था कि ऑल ऑफ सडन मैं मुंबई जाऊंगी। मेरी मम्मा मुझे लेके गए थे 7 डेज़ के लिए और मैंने ऑडिशन दिया था, तो साक्षी तन्वर जी जो हैं, उनका एक हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके थ्रू उनसे कांटेक्ट हुआ था। तो उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस का नाम बताया था, शकुंतलम फिल्म्स, जिनका लाड़ो सीरियल आता था। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने ऑडिशन दिया, तो पहली बार मैं कॉन्शियस हुई थी, बिकॉज एक रूम के अंदर ऑडिशन होता है, मुझे पहली बार पता चला था। 18
सो मैं 17.5 की थी, लेकिन मुझे ये बताना था कि मैं 18 की हो चुकी हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे एग्री नहीं करते। और वहाँ पर वो लोग एक्चुअली 18 इयर्स इज़ लाइक अ यू नो दैट कि यंगस्ट इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं दूसरे शहर में, तो मेरी 17.5 थी बट मैंने 18 लिख के मैंने कहा मुझे ये आना है मुंबई। तो मैंने पहली बार जब ऑडिशन दिया था तो मुझे लगा मेरा सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं जिस दिन रिटर्न आ गई थी ग्वालियर, तो उस दिन मुझे कॉल आया था कि आपका कल से शूट है। मैं शॉक्ड, मैंने बोला ओह माय गॉड, लाडू सीरियल के लिए मुझे सेलेक्ट किया है इन्होंने। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मी मैं चली जाऊँ, मम्मी ने बोला ए शेर थोड़ा शांत। मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सब शोज़ में मेरे साथ जाते हैं, मेकअप करते, बेचारे पुलिस में उनको नहीं आता फिर भी वो मुझे हर चीज़ में, कभी सलून वाले को लेकर आते हैं, कभी ड्रेसेस के लिए जाते हैं, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। सो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ऑल ओवर, सो थैंकफुल मम्मी, थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू। और तो मुझे जब कॉल आया तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला ठीक है काम करो तुम, अभी मना कर दो। तो मैंने वो जो कास्टिंग वाला बंदा था, मतलब जो लड़का था इसका नाम प्रशांत है, वो मेरा फ्रेंड है एक्चुअली, इसलिए बंदा बुंदी ये दिल्ली के लोगों के साथ मेरा रह रू के ना थोड़ा ऐसे टोन आ गया है। सो हाँ, तो हुआ क्या था उस टाइम पे कि उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे, फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे जाना है मुंबई, या नहीं आओ। मैंने 7-8 दिन खाना छोड़ दिया था, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगी, फिर चुपके कुछ ना कुछ खाती रहती थी ऑफकोर्स, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं मैं मुझे मुंबई जाना है, नहीं आओ। तो मैं जब मुंबई गई, मैंने ऑडिशन दिए, और ये आप भगवान का ग्रेस मानिए, शुक्राना मैं ऑल टाइम करती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि शिव जी को मानो, माता रानी को मानो, जैसे कि हमारे ग्वालियर में हर फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं और बहुत तहे दिल से मानते हैं, चाहे आप ईद भी ले लो या आप कोई भी फेस्टिवल को ले लो, हम बहुत दिल से मानते हैं। तो हम सब फेस्टिवल्स और हर भगवान की पूजा भी करते हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ग्वालियर से मैंने यही सीखा है। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी मुझे अब जाना है, मम्मी ने बोला ठीक है, रोज़ शुक्राना करती आई मैं। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आज तक ऑडिशन जो भी दिए मेरा सिलेक्शन हो गया है, और मैं हमेशा क्या बोलूँ मैं अभी, मतलब हमेशा जीतती आई हूँ मैं, तो ये बोलूँगी। टीवी सीरियल का सबसे पहला हाँ, आपका ऑडिशन का जो सिलेक्ट हुई वो उसका नाम दिया था सपनों के भंवर में, उसमें मैं एक सलून वाली मैनेजर बनी थी, जो सलून में काम करती हैं मैनेजर्स होती हैं वो बनी थी मैं जी। और अभी तक आपने कौन कौन से सीरियल में काम किया है? CID, सावधान इंडिया, ये मोहब्बतें, अजीब दास्तां, मिसेस कौशिक की 5 बहू, और बहुत सारे सीरियल्स हैं मेरे, जो मतलब मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगी, आप मेरी IMDB देख सकते हैं। वैसे नॉटी गैंग में भी मैंने काम किया, ईला भी मेरी MX पे आई है, उसमें मेरा छोटा सा कैरेक्टर है, प्यारा सा कैरेक्टर है, और काफ़ी डायलॉग्स थे लेकिन उन्होंने कट कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है, ये सब स्ट्रगलिंग हम लोगों को झेलनी पड़ती है। सो इट जस्ट या तो अभी जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि आपके ऊपर कोई सॉन्ग दर्शाया गया है जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने 2 वेब की थी, एक ओल्ड बालाजी की थी, और जिसमें गुड़िया रानी करके एक एपिसोड था, बहुत ही हिट एपिसोड रहा है वो, 2nd एपिसोड था द ओल्ड बालाजी का। फिर उसके बाद मैंने द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट की थी, उसके बाद से मेरा फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये कह लीजिए कि एक इमेज जो कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में कि एक औरत पे या लड़की पे या कुछ भी आप कह सकते हैं, उन पे ज़रा सा भी वो संभल के चलना पड़ता है। तो मैं हर यंगस्टर्स को भी कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के प्रोजेक्ट लें, और हर इवेंट्स या कुछ भी आप करते हैं तो पेरेंट्स के सपोर्ट से करें, बिकॉज़ कभी कभी आप अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हो दूसरे शहर में, तो आपको मालूम नहीं होता है कि आप क्या फ़ैसले ले रहे हो, आपको जो भी आप फैसला लेते हो आपको सही लगता है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद ये सही है, तो मैंने किया, लेकिन उस वजह से मैंने 85 प्रोजेक्ट्स अपने रिजेक्ट किए थे इन 3 साल में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी, मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला है, जिसका जो हमारी फर्स्ट एल्बम आ रही है मेरा मौला, जिसमें जसपिंदर मैम जो हैं, जसपिंदर निरोला मैम, शी सो क्यूट, और उमेश पेशवानी जी जो हैं, जो मेन लीड हैं, मेरे ऑपोजिट एक्टर हैं, को एक्टर हैं मेरे, और वो भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे, मतलब मुझे टीम मिली है अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए। तो ये हमारी पहली एल्बम है, इसके बाद हमारी 2 एल्बम्स और आ रही हैं। उनका थोड़ा सा गाना गुनगुना के बताएं, चाहे नहीं आप थोड़ा सा गुनगुना के बताएं। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला
अब यू विल गेट टू नो लाइक यू नो। देखिए हर एक्टर का जो कैरियर होता है उसमें कोई ना कोई उसका एक सुनहरा पल ऐसा होता है जो अच्छा डायलॉग्स होता है या अच्छी एक्टिंग होती है, अच्छा सॉन्ग्स होता है। मतलब तो आपकी जो अभी तक आपने जो जीवन सफर किया है टीवी के सीरियल में, तो वो कौन सा खुश पल था वो आप थोड़ा बताएंगे? कौन सा सीरियल था या कौन सा डायलॉग था या कौन सा मूवमेंट था वो बताएंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझसे आपने सिंगिंग के लिए बोला तो जसविंदर मैम से ज्यादा, तो मतलब मैं तो मतलब ये मानूं कि मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ, शी इज़ लाइक ब्रिलियंट, लाइक वो तो लेजेंड है। तो लिटरली थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमें इतना अच्छा गाना मिला है। सुधाकर शर्मा जी जिन्होंने हमारा ये गाना लिखा है। और हाँ, अब आप मुझसे क्या पूछ रहे थे दोबारा पूछिए, थोड़ा फुटेज ले लूँ। अच्छा मूवमेंट अच्छा हाँ मैं बताती हूँ आपको, मेरे लिए एक्चुअली मूवमेंट सारे ही बहुत अच्छे रहे हैं। मैं आज भी सेट पे जाती हूँ या मेरी कोई भी इवेंट आते हैं या कुछ भी आता है मेरी लाइफ में, जो भी मेरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ऑडिशन भी आता है, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आज मेरा पहला दिन है। वो चीज़ मैं हमेशा अपने साथ कायम रखती हूँ कि वही एक्साइटमेंट, वही यंगनेस, वही मनोबल के नहीं मेरा आज पहला दिन है, आज तो लाइक मैं अभी अभी तो आई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, कोई बात नहीं। तो मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करती रहती हूँ और चलती रहती हूँ। और हाँ, हमेशा सबसे ये कहूँगी गिव अप मत करो किसी भी चीज़ में, टाइम लगता है बट मिलता ज़रूर है। अच्छा एक सवाल और है, मैं थोड़ा छोटा सा आपकी सवाल है। ऐसा कोई डायलॉग मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे द बुल के लिए लोगों ने बहुत बातें उठाई थी, लेकिन द बुल में जो एक्ट्रेस है जानवी, वो मेरा एक्चुअल में कैरेक्टर है। शी इज बोल्ड इज अ डिफरेंट थिंग, वो सीन्स हैं, लेकिन जो एक एक्टर के साथ होता है वो बहुत ही रूबरू लाइफ मैंने भी फेस की है और बहुत लोग करते हैं, बट मैंने उस लेवल पे तो नहीं की है, लेकिन मैं ये चीज़ देख सकती हूँ और वाकिफ़ हूँ कि हाँ बहुत सारी एक्ट्रेसेस को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और मैं तो मानती हूँ कि ऑडिशन दो, काम करो, ये आपको ऑडिशन के थ्रू काम मिलता है ना, उसकी इज्जत करो, उसका शुक्राना करो, उस चीज़ के लिए आप हमेशा प्रे करो कि दूसरों को भी ऐसे ही काम मिले। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो लोग बोलते हैं वो बहुत ही गलत बात है। डायलॉग मारना है, चलो मैंने भोजपुरी फिल्म जो मैंने की थी छत्तीसगढ़ में, तो मुझे प्रशांत चौहान जी जो मेरे गुरु जी हैं वो लेके गए थे, तो मुझे याद है कि मैंने भोजपुरी का पहला डायलॉग कौन सा बोला था, मैं आपको बताती हूँ। ये केक कब कटाई और हमरे मुंह में जाई, ये दैट वाज माय लाइक यू नो फर्स्ट डायलॉग फॉर मी, एंड दैट वाज लाइक लास्ट सवाल पूछिए। छोटे पर्दे से अब क्या बड़े पर्दे पे जाने की आप इंटरेस्टेड हैं? लगता है कि मेरा होगा सिलेक्शन आपका। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने थिएटर्स किए हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि ये मेरी चॉइस है कि मुझे कहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देना है। छोटा बड़ा तो ये तो ऑडियंस ने बनाया हुआ है कि ये टीवी एक्टर है, ये इसने बड़ी मूवी का बजट की, बड़ी बजट की मूवी की है, तो ये है। मैं मानती हूँ कि अब एक्चुअली बात यही है कि आप डेली काम करते हैं तो आपकी इज्जत बनी रहती है, और जो लोग चूजी हो जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से, बेचारे चुप हो जाते हैं, मतलब ठहर जाते हैं कि अभी फाइनेंशली इशूज़ हैं या घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या घर वाले बुला रहे हैं वापस, तो उस वजह से लोग बेचारे ठहर जाते हैं और अपने काम को थोड़ा स्लो चलाते हैं। तो जैसे मेरे आपसे क्या संदेश देंगे, आपको पूरा देश देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहूँगी कि मुझे प्यार देते रहें, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, तहे दिल से प्यार करती हूँ, आप सबकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और मुंबई लाइफ, ग्वालियर टू मुंबई लाइफ इट्स नॉट ईजी, 12 साल मैंने बिल्कुल ईजली नहीं बिताए हैं, तो उस चीज़ को प्लीज़ समझें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट के साथ साथ मेरे भाई सोनू भाई को सपोर्ट करें, उन्होंने 9 साल से जो हिम्मत रख के ग्वालियर में कॉन्स्टेंटली काम किया है, इट्स रियली नॉट ईजी। तो उन्होंने ये जो झंडा गाड़ा हुआ है ना अपने नाम का, सोनू ढोलकर, ये ढोल बजाता है जी। थैंक यू।